हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है हमारे चिक्स का चौथा दिन। जी हाँ, धूप बहुत अच्छी निकली है बाहर और भट्टी हमारी सिर्फ एक दो जल रही होंगी, तो बच्चा अब धूप की तरफ बैठ रहा है। देखिए वहाँ पर जहाँ जहाँ धूप के किरणें आ रही हैं, और बच्चा बहुत शानदार है, बहुत अच्छा अभी चल रहा है, ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है इनकी। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे हमारा बच्चा बीट बहुत अच्छी कर रहा है, जैसे ये बीट होती है ना, ये वाली बहुत अच्छी है, ये वाली, ये जो वाइट वाइट है ना, ये है पेशाब, बाकी ये ब्लैक ब्लैक ब्राउन ब्राउन है वो बीट है फीड की। जी तो बच्चा हमारा अच्छी ग्रोथ ले रहा है, अच्छे तरीके से चल रहा है अभी। तो बुखारी हमने इसलिए बंद की है, जलाई नहीं है, क्योंकि धूप निकलेगी फिर गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम जला नहीं रहे भट्टी। अभी सुबह 9 बज रहे हैं अभी, तो धूप वगैरह निकल रही है, बहुत शानदार अच्छी धूप निकलेगी। तो अगर हम इसको भट्टी को जला देंगे, कम से कम 6-7 घंटे जलेगी, तो फिर गर्मी ज़्यादा हो जाएगी अंदर। तो इस कारण थोड़ी मतलब कि बच्चे को थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होगा, इसलिए हमने भट्टी नहीं जलाई। लेकिन जैसे धूप निकलेगी तो बच्चा जितना इकट्ठा हुआ है अकेला अकेला हो जाएगा। जी तो अभी धीरे धीरे गर्मैश हो रही है ज़्यादा, तो ज़्यादा गर्मैश अगर करेंगे तो फिर बच्चा अनकम्फर्टेबल हो जाएगा। जी तो बाकी बिल्कुल अच्छा चिक्स है, ग्रोथ अच्छी ले रहा है, 4 दिन का चिक्स हो चुका है तो ग्रोथ अच्छी ले रहा है। अभी हम 3 दिन के बाद अब आपको बताएंगे इनका वेट कर कितना वेट आ रहा है इनका। तो मेरे ख्याल से तो मेरा एस्टिमेट तो 200 प्लस ही होगा, 200 ग्राम प्लस होगा इनका वेट। बाकी हम एक हफ्ते बाद 3-4 दिन बाद देखेंगे कितना वेट आता है इनका। जी तो बाकी मेडिसिन हमारी वही चल रही है, एंड्रोफ्लोक्सिन और मल्टीविटामिन। तो कल से हम कैल्शियम शुरू करेंगे, उसके बाद फिर हम नेफ्रोटेक जो होती किडनी की मेडिसिन वो शुरू करेंगे। फिर उसके साथ साथ हम शाम के पानी में या सुबह के पानी में लीवर शुरू करेंगे 12वें दिन 11वें दिन जब फीड चेंज होती है। तो बस यही मेडिसिन रहेगी हमारी, बाकी सेफ गार्ड जो पानी साफ करने के लिए है और CID वो लगातार चलती रहेगी अंत तक जब तक चिक्स उठता नहीं है। तो कोशिश रहेगी हमारी इस बार हमारा रिजल्ट अच्छा रहे, तो बाकी चिक्स हमारा अच्छा ठीक चल रहा है। तो ये जो वैसे जो मेरा दूसरा ओपन फार्म है ना, उसमें काम करना बहुत पड़ता है, जैसे छोटे बेबी ड्रिंकर लगाने पड़ते हैं, तो इसमें ये अच्छा है कि ये जो निप्पल ड्रिंकर सिस्टम है ना, ये अच्छा है, इसमें कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती पानी, मतलब कि बेबी ड्रिंकर लगाने की कुछ नहीं पड़ता, जो बच्चे यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से पानी पीते हैं। जी तो ये सही रहता है मेरे ख्याल से, तो ये सही रहता है और पानी भी बहुत अच्छा पी रहे हैं। ये नहीं कि कुछ लोग सोचते हैं कि जो जंबो ड्रिंकर हो गए या गन वाले ड्रिंकर हो गए उनसे पानी ज़्यादा पीता है, मेरे ख्याल से इनमें भी उनसे ज़्यादा ही पिएगा ये पानी बच्चा, क्योंकि पहले दिन से इनको समझ आ जाती है कि पानी कैसे पीना है, देखिए कैसे पानी पी रहे हैं अच्छे तरीके से। तो ये सेम चीज़ है, लेकिन इनमें ज़्यादा बेनिफिट है, निप्पल ड्रिंकर में ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इसमें काम कम करना पड़ता है। जी तो ये सही रहता है, तो जो दूसरा है उनको लगातार साफ़ करना पड़ता है और बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन इसमें अच्छा रहता है, मेहनत कम है और पानी भी लगातार पी रहे हैं और सब कुछ अच्छे तरीके से हो रहा है, तो ये सही रहता है। जी तो बाकी फीड कल डाली थी आपके सामने, आज फिर ख़त्म कर दी इन्होंने, 5-5 कट्टे डेली के खा रहे हैं, अभी 4-4 कट्टे डेली के खा रहे हैं फीड के। तो सही है, जितना फीड खाएंगे 10-12 दिन जितनी फीड खा लें उतनी अच्छी है। जी क्योंकि एक नंबर फीड में प्रोटीन वगैरह मल्टीविटामिन और भी बहुत कुछ होता है, पोटेशियम सब कुछ होता है फीड में, जिससे इनकी जो कमज़ोरी होती है हेल्थ रिकॉर्डिंग वो सब कुछ ठीक हो जाती है। तो जितना एक नंबर फीड खाएंगे उतना इनके लिए अच्छा रहेगा कि आगे जाकर बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है इनकी, जो एक नंबर फीड है बहुत अच्छी फीड होती है वो वाली, तो उस हिसाब से बच्चा सही रहेगा जितनी खाएगा, जितना पानी पिएगा और जितनी फीड खाएगा उतना अच्छा रहेगा। जी कम से कम हमारा चिक्स अभी 4 दिन का है, तो 350 लीटर पानी आराम से पी रहा है। जी
बहुत आराम से 350 लीटर पानी पी रहा है। यहाँ पर देखिए धूप आ रही है यहाँ से, और यहाँ पर बच्चा कितने आराम से बैठा हुआ है धूप सेकने के लिए। जी अपने पंख फैला रहे हैं ये गर्मैश लेने के लिए, तो ये अच्छा है। और चिक्स हमारा बिल्कुल हेल्दी है, वीक चिक्स तो लगभग 4-5 हो गए, वो भी आजकल में मर जाएंगे। मेडल्टी हमारी आज है 12 मेडल्टी है हमारी आज, मेडल्टी भी अभी कंट्रोल में है बिल्कुल। तो बाकी जो भी आपको अपडेट चाहिए होगी तो आप मुझे मतलब कि मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी भी मैं आपको मेंशन करता हूँ, सेम आईडी है मेरी पंजाब पोल्ट्री के नाम में इंस्टाग्राम आईडी। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप जो भी मैसेज वगैरह कुछ भी आपको रिकॉर्डिंग कोई पोल्ट्री का रिकॉर्डिंग बिजनेस का रिकॉर्डिंग कोई भी बात करनी हो तो आप मुझे वहाँ से कर सकते हैं। और वैसे भी कुछ टाइम तक मैं ना व्हाट्सअप नंबर भी जारी कर रहा हूँ अपना, जो व्हाट्सअप नंबर होता है पोल्ट्री के अकॉर्डिंग, व्हाट्सअप नंबर भी मैं शुरू करने जा रहा हूँ कुछ दिनों बाद, तो फिर हम अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे। और हो सकता है व्हाट्सअप ग्रुप बनाऊँ मैं एक अच्छा पोल्ट्री का, जिससे हम अच्छी जानकारी एक दूसरे से लें, और एक दूसरे को जो भी कमियाँ होंगी जो भी कुछ भी होगा हम एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मेडिसिन शेयर कर सकते हैं, ताकि हम जितने भी पोल्ट्री किसान हैं सबको फ़ायदा हो एक दूसरे से। जी ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं हम कल अगली वीडियो में, तो तब तक आप अपना ख्याल रखें और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।